बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय विष्णुदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावतारौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ निजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रपरमौक्तिकं करतले करे च कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ामणि। राधाकरावचित वल्लभ वल्लभी के राधा पदांक विलस मधुरस्थलीके राधाञ्च सम्मुखं खङ्गाङ्गबलीके राधाविहार विपिने रमतां मनोमे। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै कीर्तासि कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नानि वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दौ। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्भरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकय हे भट्ट जुग्म सुमति रघुनाथ दास श्रीजीव विकुरुत मंद दयाम्भरातम् तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपम्। जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतम् द्वैपायन विधाकातराजुभावम् पुत्रेति तन्मयतयातरोभिनेतु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमाणतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दं श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द सभी पर हाथ उठा कर बोलो हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। एक बार जोर करके बोलिए, बोला हरे कृष्ण भैया कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री लो नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करना। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करना। हरे कृष्णा। आप लोग जो पीछे बैठे हुए हैं आपको पास में आवाज आ रही है ठीक ठीक से? जो पीछे जो माता और भाई लोग बैठे हैं आवाज आ रही है आप लोगों के पास में? आवाज आ रही कि नहीं आ रही है आप लोगों के पास में? आवाज आ रही है ठीक से? उसको थोड़ा और तेज बढ़ा दो और तेज बढ़ा। हरे कृष्णा। आज हम लोग का बहुत भाग्य का विषय है श्री रामनगर में और जहां पर भगवान श्री राम की लीला होती है उसी मंडप में और नवरात्रि को उपलक्ष्य करते हुए हम लोग को ये जो भागवत कथा सुनने को सौभाग्य मिल रहा है ये बड़े भाग्य की बात है। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहा करते थे कि जो श्रीमद् भागवत कथा है ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में अर्थ बल हो जो काम को हम कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में जन बल हो लोग अगर हमें मदद करते हैं जो काम को हम कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम है अगर कोई जन बल नहीं हो कोई अर्थ का बल नहीं हो अगर किसको पास में मन की बल हो। अरे देखा जाएगा आगे पर तो आगे अगर ये मन की बल होना जो काम को कर सकते हैं। लेकिन जगत में सबसे बड़ा बल जो ये आत्मा बल है। जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में आत्मा बल हो जो काम को हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा है न तो कोई धन बल से कर सकता है न तो कोई जन बल से कर सकता है न तो कोई आत्मा बल से कर सकता है। जब तक श्री ठाकुर जी की श्री बांके बिहारी की गुरु जी की कृपा बल नहीं हो कभी ये भागवत कथा कोई कर नहीं सकते कथा कोई सुन नहीं सकते। श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन की। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो कि यहाँ बैठ करके ये भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को ये बात को कहते हैं बोले परीक्षित बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। हे परीक्षित महाराज ये जो श्रीमद् भागवत कथा है अगर कोई स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी यदि ये देवताओं का भाग्य में भी ये भागवत कथा सुनने को नहीं मिलती है। हम लोग आगे श्रवण करेंगे जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी ये परीक्षित को ये भागवत कथा सुना नहीं जा रहे थे स्वर्ग से 33 करोड़ देवता स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए
बोले हे सुखदेव गोस्वामी, आप ये परीक्षित को ये कथा सुनाने क्यों जा रहे हो? बोले इनको सिद्धि ऋषि की अभिशाप है, इनको सप्तम दिवस में तक्षक दर्शन करेंगे। बोले कोई चिंता नहीं, हम स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए, लो ये अमृत कलश पूरा के पूरा ये अमृत कलश ले लो, परीक्षित महाराज को पिला दो, ये अमरत्व को प्राप्त करेंगे। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा आप कृपा करके हमें सुना दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? बोले को काच को मणि मार। बोले मूर्ख देवताओं, कहां ये भागवत कथा है? ये भागवत कथा नहीं, ये स्वयं श्री बांके बिहारी है। ये कृष्ण स्वयं इसी जगत में जीव कल्याण करने के लिए, बोले कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः कलौ नष्टादृशामेष पुराण अर्कादुनादित। बोले ये भागवत जगत में क्यों प्रकाशित हुआ है? बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे, वहीं पर श्री उद्धव जी थे। बोले ठाकुर जी, आप तो ये संसार छोड़ करके जा रहे हो, अभी मैं किसको आश्रय लूं? हम तो सारा जीवन एकटे हम रहे। कृष्ण स्वयं कहते हैं, उद्धव एक स्वरूप में तो मैं जा रहा हूँ, कलियुग में मैं दूसरे स्वरूप में रह रहा हूँ। बोले प्रभु, कलियुग में आप किस स्वरूप में रहोगे? बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में जगत में रहूंगा। हे उद्धव जी, जो व्यक्ति ये कलियुग में ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे, ये भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग नहीं। इसलिए जो व्यक्ति ये भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, वो साक्षात रूप में ठाकुर जी से मिल रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा कौन है? बोले तेन अयंग बांगमय मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरि। बोले भगवान कलियुग में ये सप्त ग्रंथ रूप में, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में जीव कल्याण करने के लिए जगत में ये प्रकटित हुए हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी बोले को काच को मणिर्मान। मतलब अगर आपके पास में कोई कांच की टुकड़ा हो, आप कांच की टुकड़ा लेकर किसको बोलो ये मणि दे दो, ये कांच के टुकड़े को ले लो, कोई देगा? बोले ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये साक्षात मणि सदृश है। और ये जो स्वर्ग का जो अमृत है वो कैसे है? कहते एक कांच के टुकड़े जैसे। अभी यहाँ पर प्रश्न होता है, भैया स्वर्ग का अमृत का क्या कोई महत्व नहीं है? ये जो स्वर्ग का जो अमृत है, इसका कोई क्या महत्व नहीं? बोले नहीं, स्वर्ग का जो अमृत उसका भी बड़ा महत्व है। हम लोग आगे जाकर के सुनेंगे, ये स्वर्ग अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण को चार चार अवतार लेना पड़ा था। कितना अवतार लेना पड़ा था? अरे बोलो जोर से, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाँ, ध्यान देकर सुना। ये भागवत कथा की कितने महत्व है? कहते स्वर्ग का अमृत को प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी को कितना अवतार लेना पड़ा था? चार अवतार। बोले कैसे? जब देवता दैत्य में लड़ाई होती थी, देवता मरे तो मरी जाए, लेकिन दैत्य मरे तो इनका गुरु शुक्राचार्य ये संजीवनी मंत्र से फिर इनको जिंदा करते। एक समय देवता लोग भगवान को पास में गए, बोले ठाकुर जी हम अमर कैसे बनेंगे? बोले ये समुद्र मंथन कर, मंदाचल पर्वत को रई बनाओ, बासु की नाक को रज्जु बनाओ, मंथन कर दो, इससे अमृत निकलेगा। ये मंदाचल पर्वत इतना विशाल था, इतना विशाल था मंदाचल पर्वत, देवता दैत्य मिल करके मिला नहीं सके।
फिर भगवान को प्रार्थना किया तो ठाकुर जी हरि अवतार लेकर के गरुड़ को पीठ पर रख करके ठाकुर जी ये पर्वत को समुद्र को बीच में रखे, क्योंकि ये भगवान का पहला अवतार है। जब फिर समुद्र मंथन हुई, ये मंदर चलो पर्वत धीरे 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 नीचे जा रहा था, फिर ठाकुर जी को प्रार्थना की, ठाकुर जी कुर्मा अवतार लेकर के अपना पीठ को ऊपर में मंदर चल पर्वत को धारण किया। कितना अवतार हो गया बोलो, अरे बोलो कितना अवतार हो गया, कोई कथा नहीं सुन रहे, कितना अवतार हो गया, दो। जब फिर समुद्र मंथन हुई, भगवान धन्वंतरी अवतार लेकर के ये अमृत कलश को लेकर घूमे, कितना अवतार हो गया, तीन। जब देवता दैत्य में लड़ाई हुई, भगवान स्वयं वहीं में अवतार धारण करते हुए फिर ये अमृत को देवता को प्रदान की, कितना अवतार हो गया। देखो ये कथा की महत्व समझो अच्छे तरह से, ये भागवत कथा की कितने महत्व है, लेकिन महाभारत में कथा आती है अगर कोई स्वर्ग में जाने पर क्या अमृत मिलेगा, बोले नहीं। वहां पर एक वायु चक्र है, एक अग्नि चक्र है, एक लोहे के चक्र, उसको बाद में एक काल सर्प बैठा हुआ, इसको पार करने पर कहीं अमृत में हाथ आएगा, नहीं तो अमृत में हाथ नहीं आएगी। लेकिन देखो ये भागवत कथा की कितने महत्व है, ये भागवत कथा की कितने महत्व है। देवता लोग पूरा का पूरा अमृत कलश लेकर के आए, बोले हे सुखदेव गोस्वामी ये पूरा के पूरा ये अमृत कलश ले लो, लेकिन इसकी विनिमय में ये भागवत हमें कथा सुनाओ। लेकिन सुखदेव गोस्वामी देवता को वहां से खदेड़ दिया, वहां से भगा दिया, वहां से बोले ये भागवत कथा नहीं सुन सकते हो। इसका तात्पर्य है जो व्यक्ति बैठ करके ये भागवत कथा श्रवण करते हैं वो देवता से भी ज्यादा पुण्यात्मा है, देवता भी ज्यादा पुण्यात्मा है। ताली बजा आप लोगों के लिए, हम लोग कितने भाग्यवान हैं जो कि आज ये भागवत कथा को हम श्रवण कर रहे थे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी ये भागवत कथा नहीं सुन सकते हैं, बल्कि ये देव लोग की बात छोड़ दो, बल्कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा, यदि ये ब्रह्म लोक में भी ये कथा नहीं, ये ब्रह्म लोक में भी ये कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं बोले कथा है तो वेद भावना बिहारी, कथा है तो वेद भावना बिहारी, कथा है तो Yeah.
पार्वती को अमरनाथ में कथा सुनाई, इसलिए भागवत कथा का जो वक्ता है स्वयं शंकर जी, और श्रोता कौन है? स्वयं माता जी श्रोता है, स्वयं माता जी इसकी श्रोता है। इसलिए सबसे ज्यादा किसको खुश होता है? माता जी को, क्योंकि शंकर जी पार्वती को अमरनाथ में माता पार्वती को ये अमर कथा सुनाई थी, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा जो प्रसन्न है श्री माता जी बने। बोले भैया पार्वती देवी की जय। इसलिए यहाँ पर ध्यान देकर सुना, ये कथा की कितने महत्व है। कहते ये कथा स्वर्ग में भी नहीं, ये कथा स्वर्ग से सबसे जो ऊपर लोग है जिसको कहते ब्रह्म लोग है, ये ब्रह्म लोक में भी भागवत कथा नहीं। अगर कहीं ये भागवत कथा हो, ब्रह्मा स्वयं अकेले नहीं अपना ब्रह्मांड को साथ में लेकर कथा सुनने आते हैं। आप लोग कितने दूर से कथा सुनने के लिए आए? रामनगर से, कुछ कुछ भक्त लोग हल्दीबारी से भी कथा सुनने के लिए आए, यहाँ से 50-60 बा 100 किलोमीटर से।
लेकिन आपको पता है ब्रह्मा जी कितना दूर से आते हैं, करोड़ों करोड़ों किलोमीटर से शंकर जी स्वयं ब्रह्मा जी अपना ब्रह्मांड को लेकर के ये कथा सुनने के लिए आते हैं। कहते धाई, धाई मतलब क्या है, दौड़ दौड़ करके कथा सुनने आते हैं। बोले क्यों, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मांड को पता है ये भागवत कथा के कितने महत्व है, इसलिए इतने दूर से कथा सुनने आते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, कभी ये ब्रह्म लोक की बात छोड़ दे, कभी ये जो श्रीमद भागवत कथा है, कहते कैलाश नाश तयम रस, कभी ये कैलाश नदी ये भागवत कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी रामचरितमानस मानस में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगर कहीं ये श्रीमद भागवत कथा हो, बोले एक बार त्रेताया युग माए, एक बार त्रेताया युग माए, एक बार त्रेताया युग माए, एक शंकर और सती ये दोनों कथा सुनने के लिए आए। बोले कहा, बोले श्री अगस्त ऋषि के आश्रम पर। जब कथा सुन करके जा रहे थे शंकर पार्वती, उसी समय में रावण ने माता सीता को उठा करके ले गया, और उसी समय में भगवान राम हासिते हासिते बोल करके लता प्रता सबको प्रश्न कर रहे थे, मेरी सीता को कहीं देखे हो। देखो कथा सुनने का फल क्या है, कथा सुनने का फल है ठाकुर जी की दर्शन है, ठाकुर जी की दर्शन ही कथा सुनने का फल है। इसलिए उनकी जब शंकर जी ने देखा प्रभु राम को दर्शन किए, शंकर जी गदगद हो गए, बोले आज कथा सुनने का फल मुझे मिल गया, क्यों प्रभु राम का मुझे दर्शन हो गया, ठाकुर जी का मुझे दर्शन हो गया। शंकर जी बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन जो मैया जो सती थी ना, उसने शंका कर दी प्रभु राम को बड़े, इसलिए सती को प्राण त्याग करके फिर उन्होंने पार्वती बन करके कठोर तपस्या की श्री शंकर जी को प्राप्त करने के लिए। इसलिए यहाँ कहते हैं अगर शंकर जी को अगर कथा सुनना हो तो शंकर जी कैलाश छोड़ करके आते हैं। बोले भैया कैलाश की बात छोड़ दो, कभी ये जो भागवत कथा है, कभी ये वैकुंठ में भी ये कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले गायो गरुड़ जहां बस ए भुसोता, गायो गरुड़ जहां बस ए भुसोता, गायो गरुड़ को कथा
कथा सुनना हो। फिर ये गरुड़ जी रहते वैकुंठ में, कहते उनको भी वैकुंठ छोड़ करके श्री तांत भूसुंडी जहाँ नीलगिर पर्वतों पर रहते हैं वो आ करके ये कथा को सुनते हैं। देखो ध्यान देकर सुनो, हम लोग कितने सौभाग्य, देखो देवताओं को देव लोग छोड़ करके इसी मरते जगत में कथा सुनाना पड़ता है, ब्रह्मा जी को ब्रह्म लोग छोड़ करके यहीं पर कथा सुनने आना पड़ता है, शंकर जी को कथा सुनना हो शंकर जी कैलाश को छोड़ करके यहाँ पर आते हैं, अगर गरुड़ जी को कथा सुनना हो ये वैकुंठ छोड़ करके आते हैं। लेकिन देखो ये रामनगर के भक्त लोगों का सौभाग्य, देखो आप लोगों को कुछ घर बार छोड़ना पड़ा कथा सुनने के लिए, अरे बोलो आप लोगों को कोई घर बार छोड़ना पड़ा कथा सुनने के लिए। ये कथा स्वयं ये वृंदावन से बहते बहते आपकी घर को सामने ये कथा आ गई, और हम लोग अपना घर में बैठ बैठ करके अपना घर में ही ये कथा रूपी गंगा में हमने स्नान कर लिया। मतलब हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो आज ये श्रीमद् भागवत कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। एक बार भागवत कथा की जयकार करो, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। ये माता लोग कोई जयकार नहीं देते, क्या 9 दिन तक व्रत रखे इसलिए हो? जो देखो भागवत की जयकार ठाकुर का जो जय ध्वनि देते हैं ना, ठाकुर को थोड़ी जयकार, उनका तो जय है ही है, बल्कि उनकी जयकार जो जितने जोर से दे उतना ही पाप नष्ट होता है और उतना ही भक्ति जगेगा, उतना ही पुण्य उतना ही भक्ति जगेगा। जो जितने जोर से जयकार देगा उतना तुम्हारी पाप खत्म होगी। जोर से बोलो बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की। हाँ देखो यहाँ से एक शिक्षा लेकर के जाओ, जब देवता लोग कथा सुनने के लिए आए हैं वो अकेले नहीं आए, देवियों को लेकर के आए। जब ब्रह्मा जी कथा सुनने के लिए आए वो अकेले नहीं आए, ब्रह्मणी को लेकर के आए। जब शंकर जी कथा सुनने के लिए आए वो अकेले नहीं आए, माता पार्वती को लेकर के आए। ये जब आए इस जोड़े जोड़े आए, अकेले कोई नहीं आए। यहाँ शिक्षा देते हैं भैया, अगर जितने देवियां जितने माताएं अगर कथा सुनने के लिए आओ ना, अकेले मत लाओ, अपना देवता को भी साथ लाओ, अपना पतियों को भी साथ में लाओ, और जितने पुरुष लोग हैं जब कथा सुनने आओ आप भी अकेले मत आओ, अपना पति के लाओ। बोले क्यों? देखो इसका रहस्य समझो, अच्छे तरह से ध्यान देकर सुनो। देखो माताएं ध्यान देकर सुनो, देखो एक नियम है, जब कथा सुनो ना जो जिसको जानते हो उसको पास में मत बैठा करो, जो जिसको जानते हो ना उससे थोड़ी से अलग होकर बैठो। फिर कथा नहीं करोगे फिर संसार की कथा करोगे, भगवान की कथा नहीं सुनकर फिर दुनिया की कथा करोगे। इसलिए जो जिसको जानते हो ना थोड़ी सी अलग अलग होकर उससे बैठो, सब अलग अलग होकर बैठो। हाँ देखो हम क्यों दो दो आए ये रहस्य को समझो। देखना आप लोग 7 दिन तक कथा सुनोगे, 7 दिन जब ये भागवत कथा सुनोगे ना आपका संपूर्ण मन तन धन सब बदल जाएगी, संपूर्ण जीवन तुम्हारी परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? आपको ये पता चलेगा ये जीवन है क्या, कितने भाग्य से ये मानव शरीर हमें मिला है। कहते ये मानव शरीर नहीं, भगवान राम अयोध्या वासियों को बैठा करके समझाते हैं, बोले हे अयोध्या वासियों ये मानव शरीर नहीं, कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा, ये मानव शरीर नहीं, ये 84 लाख जन्म के बाद में ठाकुर जी एक बार केवल ये मानव शरीर देते हैं। ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति की दरवाजा पर हम पहुंचे हैं, 84 लाख जो ये भ्रमण करते करते ये मुक्ति की दरवाजा पर हम पहुंचे हुए हैं। इसी जीवन में ही प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। आप बताओ मानव को छोड़ करके और यहाँ पर कोई कथा सुनने के लिए आए? हम जो जो कृष्ण कृष्ण राम राम कर रहे हैं ये इंसान को छोड़ कर कोई प्रभु का भजन कर सकता है क्या? हरि का कोई नाम ले सकता है क्या? कोई नहीं ले सकते हैं।
केवल ये इंसान ही ले सकता है। इसलिए भगवान राम कहते हैं ये मानव शरीर नहीं, मुक्ति की दरवाजा पर हम पहुंचते हैं। लेकिन ये पाई ना जई परलोक सवर, अगर ये जीवन पा करके जो परलोक को सुधारने के लिए जो कोशिश नहीं की, भगवान राम कहते हैं अगले जीवन में सर को पीटते रह जाओगे, तुमको ये मानव शरीर और नहीं मिलेगा। ये मानव शरीर ठाकुर जी नहीं देंगे। जैसे माताएं आप कथा सुनने के लिए आए हो, 7 दिन को बाद में बदल जाओ, क्या बदल जाओगे? हरिनाम करना शुरू कर दो, गले में कंठी तिलक लगाओ। अगर पति लोग नहीं आए ना, क्या बोलेंगे? बोले कौन सा बाबा जी के चक्कर में पड़ गई तू हैं? पहले तो बोलते थे घूमने चलो सिनेमा देखे, अभी बोलते वृंदावन चलो भगवान के भजन सत्संग में चलो हैं? जब देखो गीता भागवत लेकर बैठती हो, पति परेशानी होंगे। अगर पति लोग अगर कथा सुनने के लिए आए, इनका जीवन भी बदल जाएगा। पत्नियां आप क्या बोलेगी? कोई काम धाम नहीं, जब देखो माला लेकर बैठ जाते हो, जब देखो गीता भागवत लेकर बैठ जाते हो। लेकिन अगर दोनों अगर कथा सुनने के लिए आओगे, दोनों का जीवन परिवर्तन होगा। अरे दोनों मिल कर भजन करोगे ना, जैसे गाड़ी 2 पहिया में चलती है ना, फिर तो तुम्हारी संसार बढ़िया से चलेगी, संसार तुम्हारी बढ़िया से संसार चलेगी। इसलिए क्या करो, दोनों दोनों मिल कर कथा सुनने के लिए आप, ठीक है? बसी वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधेश्याम। देखो आप लोग बोलोगे ये कथा सुनने से क्या होगा, जैसे अभी 7 दिन तक कथा हुई, 7 दिन तक आप लोग 2-2, 3-3 घंटा आओगे कथा सुनोगे, आप बोलोगे हमें क्या मिलेगा? हम कलयुग का जीव है ना, पहले देखेंगे भैया हमारा लाभ हो रहा है, सबसे पहले देखते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में राधा रानी कहती हैं, ये भागवत कथा में तुम्हें जितने लाभ होगी ना, और किसी बिजनेस में तुम्हारी इतने लाभ होने वाले नहीं जितने लाभ तुम्हें ये कथा में होगी। इसलिए मीरा कहती है ना, दिन दिन बढ़त सवाय पायो जी नहीं, राम रतन धन पायो। इसलिए ये भक्ति में कभी घटने वाले नहीं, भक्ति में हर समय तुम बढ़ते रहोगे। इसलिए राधा रानी स्वयं कहती है, बोले कब कहती है? बोले कृष्ण जब रास कर रहे थे, रास करते करते जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए रासों से, गोपियों ने सोचा भगवान को उनका भक्ति सबसे प्यारा है, उनका कीर्तन सबसे उनको प्यारा है, चलो हम यमुना किनारा में बैठेंगे उनका कीर्तन करेंगे, क्योंकि ठाकुर को कीर्तन सबसे ज्यादा पसंद है। तब इन लोगों ने यमुना किनारा में बैठ गए तो उन्होंने कीर्तन किए, जिसका नाम कहते गोपी गीत। ये गोपी गीत में एक श्लोक आता है, कहते अगर ये भागवत कथा कोई सुनेगा तो उसको 7 फायदा होगा। कितना फायदा होगा जोर से बोलो, क्या क्या? आज मैं बोलूंगा कल आपसे सुनूंगा, ठीक है? बोले तब कथा मृता ती बना कभी Thank you.
देखो राधा रानी क्या कहती है, कथा सुनने का जो पहला लाभ है, कभी एक कथा नहीं अमृत है। इसलिए भागवत का एक नाम क्या अमर कथा, क्योंकि आज सवेरे हम लोग श्रवण कर रहे थे शंकर जी माता पार्वती को अमरनाथ की कथा पहले सुना। क्यों सुनाए, कारण क्या? बोले कारण था जिस समय श्री नारद जी कभी शंकर जी के पास कैलाश में जाते हैं, उसी समय शंकर जी कहीं बाहर गए हुए थे, घर में माता पार्वती अकेले थी। इतने में नारद जी पार्वती को बोले, माता जी सब ठीक ठाक है ना? बोले बेटा तुम्हारे आशीर्वाद सब कुशल मंगल है। बोले सब कुशल मंगल? बोले हाँ सब कुशल मंगल। नारद जी बोले, मेरे को तो कुशल मंगल दिख नहीं रहा। बोले क्यों? बोले देखो तुम कहते हो शंकर जी तुम्हें बड़े प्रेम करते। बोले हाँ। बोले तुमको बताएं शंकर जी का और भी कोई शादी है? शंकर जी की अंदर अंदर में और भी कोई पत्नी तुम्हें पता है कि नहीं? इतना सुनते तो पार्वती का दिमाग खराब, क्योंकि माता है ना सब चीज को हजम कर लेगी, सब चीज को सहन कर लेगी। अगर माताओं को पता चले उसका पति और कहीं शादी करके रखा, अभी तक उसको पता नहीं, माताएं सहन कर सकती है? बताओ सहन कर सकती हो? मैया पार्वती देखो बिगड़ गई। बोले क्या बोलते हो? बोले सही बताता हूँ। बोले इसका प्रमाण क्या है? बोले शंकर जी जब आज आए ना मान भवन में चले जाओ, लेट जाओ और उनसे एक प्रश्न करना, उनकी गले में जो मुंडक की माला किसकी, बस सब पता चल जाएगा। इसलिए जब से शंकर जी आए पार्वती ने पूछा, ये बताओ आपकी गले में ये मुंडक की माला किसकी है? मैंने सुना आप और भी कई शादी करके रखे, और भी कई पत्नी है आपकी, बताओ ये गले की मुंडक की माला किसकी है, इसको क्यों धारण करके रखे हो? बोले ये तुम्हारी मुंडक की माला। बोले मेरी कैसे, मेरे सर तो मेरे शरीर ने, आपकी गले में कैसे आ गई? बोले पार्वती तुमको पहले जन्म की बात बताएंगी, पहले जन्म में तुम सती थी, लेकिन एक समय तुमने मेरी बातियों में अविश्वास तुमने की है, करने का नाते मैंने तुमको त्याग दिया था, इसलिए तुमने कंठक में जाकर के हरिद्वार में तुमने ये शरीर त्याग की। इसलिए जब जब तुम देह त्याग करती हो, तेरे सर को मैंने गले में मुंड माला रूप में धारण कर रखा है, ये और किसको प्रेम नहीं, तेरे को मैं प्रेम करती करता हूँ जन्म जन्मांतर। पार्वती बोली प्रभु पहले तो मैं सोच रही थी आप कोई छोटी मोटी कपटी हो गई, अभी तो पता चला सबसे बड़ी कपटी आप हो। बोले क्यों? बोले बताओ ऐसे कौन सा अमर गोटी को आपने पान किया जो जगत में अमरत्व को प्राप्त हुई? हमें मरती जा रही, मरती जा रही। देखो ध्यान देकर सुनो ये कथा की कितनी महत्व है। बोले जब से मैंने ये श्रीमद भागवत कथा रूपी अमर कोटि को मैंने पान की, तब से मैंने अमरत्व की प्राप्ति की। बोले शंकर भोले बाबा मेरे को भी ये अमर कथा सुना दो, मैं भी अमर बन जाऊंगी, आप भी अमर बनोगे, प्रेम से रहेंगे। अब मैं मरती जा रही हूँ, मर भी रही हूँ। बोले देखो पार्वती ये कथा को सब नहीं सुन सकते, ये कथा